हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन एकेडमी। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ आरआरबी पीओ कैंडिडेट जिन्होंने अभी सक्सेस पाई है 2020 के एग्जाम। तो इससे पहले कि मैं शुरुआत करूँ, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार सालूदिया। मैं झोटवाड़ा जयपुर में निवास करता हूँ और मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बीकॉम किया है और मेरी पीजी अभी अपेयरिंग है। ओके ग्रेट। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम आपको, आप आरआरबी पीओ बने हैं थैंक यू सो मच सर। और जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब विद इन 1 ईयर। ये बहुत एक रेयर सी बात होती है, बच्चे पहले चांस में इस तरह से जो सक्सेस पा जाते हैं। लेकिन आपकी मेहनत और आपकी जो डिटर्मिनेशन है उसके दम पर आपने सफलता पाई। तो सबसे पहले मैं आपकी ये जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने शुरुआत कैसे की, कब की, और कैसे आपको ये पता लगा आपको बैंकिंग की तैयारी करना, और क्या सच में आपको बैंकिंग में ही जाना था? सर जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, जैसा कि बेसिकली मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स स्ट्रीम रहा है, तो मुझे बैंकिंग फील्ड तो शुरू से ही पसंद थी। मेरी फैमिली में से भी कई बैंकर हैं, तो मुझे बैंकिंग फील्ड में तो इंटरेस्ट ही था। जब 2017-18 में मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद उस टाइम पे सभी जॉब को एक बार सिक्योरेंस चाहते थे, तो उस टाइम पे मैंने भी सोचा कि एक बार मैं भी जॉब सिक्योर करूँ, अपने फ्यूचर को सेव करूँ। उस टाइम पे सर मैंने दो फील्ड मेरे सामने आई, एक एसएससी, एक बैंकिंग सेक्टर। एसएससी में वही पेपर आउट होना, टाइमली पेपर नहीं होना, अभी नोटिफिकेशन जनवरी में आ रहा है, पेपर दिसंबर तक भी नहीं हो रहा। फिर मैंने सोचा बैंकिंग सेक्टर पे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर मुझे जाना था, तो मैं ज़्यादा फोर्स भी बैंकिंग सेक्टर पे ही था। बैंकिंग में सर एक तो पेपर शेड्यूल्ड है, एक साल बाद क्या होगा वो आपको एक साल पहले पता लग जाता है, इसलिए आप उसके लिए प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। टाइमली पेपर होगा, ट्रांसपेरेंट उसकी पूरी प्रोसेस है, तो मैं बैंकिंग सेक्टर की तरफ ही गया। ग्रेट। तो सभी एस्पिरेंट्स को मैं बताना चाहूंगा, बैंकिंग के एग्जाम यानी आईबीपीएस जो एग्जाम लेता है उसकी बेस्ट बात होती है कि पहले से शेड्यूल आ जाता है। जनवरी फरवरी में आपको पता लग जाता है साल भर में कौन से एग्जाम, और विद इन 6 to 8 month आपके सारे एग्जाम हो जाते हैं और आपको ज्वाइनिंग मिलने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि एसबीआई क्लर्क का है, अभी नवंबर दिसंबर में ज्वाइनिंग होना है। अगर बीच में और कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोविड अभी डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, सारे पेपर टाइम से होने चाहिए। आरआरबी पीओ क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आया, तो अब इसकी ज्वाइनिंग आपकी जनवरी में होनी है। यानी कि सारी चीजें शेड्यूल होती हैं, पेपर आउट नहीं होता, टाइम पे रिजल्ट आता है, टाइम पे सारी चीजें होती हैं। ये बेस्ट जो फीचर है बैंकिंग एग्जाम की है। इसके अलावा बैंकिंग में आपका इंटरेस्ट होना तो चार चांद लगा देता है। तो सबसे पहला आपने जो है बैंकिंग फील्ड आपने चूज किया, और आपने जो है इस तरह से, मतलब ये जर्नी कैसे रही, आप अनअकेडमी पे आप कैसे आई, मैं ये जानना चाहता। सर जब मैंने स्टार्टिंग में तैयारी स्टार्ट की, तो मैंने ऑफलाइन क्लासेस ही ली, पर उसके 2 महीने बाद ही लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बीच में मेरी स्टडी थोड़ी थोड़ी डाउन होने लगी, फिर मैंने कई सारे प्लेटफॉर्म चेक किए, फिर मुझे अनअकैडमी के बारे में पता लगा, जहाँ पे ये भी था कि आप भी वहाँ पे हो। फिर मैंने अनअकैडमी को ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे स्टडी प्लान है, वहाँ पे स्टडी मटेरियल है, लॉट्स ऑफ बल्क में बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने अनअकैडमी को ज्वाइन किया। वहाँ पे फिर मैंने आपके द्वारा जो आपने मुझे प्लान सेट करके दिया था, क्योंकि अनअकैडमी की एक वीकनेस है जो मुझे लगती है कि यहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल, तो एक स्टूडेंट मेरे जैसे सभी स्टूडेंट ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि पढ़े तो क्या पढ़े, क्योंकि तो बहुत सारा मटेरियल है और बहुत सारे टाइप्स हैं उस चीज़ को। एक क्वेश्चन के 10 से 20 वेरियंट तो आपको आराम से मिल जाएंगे, तो उसमें चूज कौन सा करें, ये मेरे जैसे सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती ही रहती है, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर जैसे कि आपने मुझे मेरा शेड्यूल बना के दिया कि मैं इस टाइम पे ये पढ़ूँ, इस टीचर से ये पढ़ूँ, तो वो मैंने फॉलो किया उसको, पर मैंने पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो किया। और जिसके बाद में जब मैंने 3 से 4 महीने में आपके पास पढ़ा, उसके बाद मेरा प्री हो गया, उसके 2 महीने बाद मेरा मेंस और मेरा इंटरव्यू, मैं लगातार क्रैक करता ही चला गया। उस बीच में मैंने सर फॉरम तो बहुत सारे भरे, इस बीच में बहुत सारे एग्जाम्स ही आए, पर मेरे एक तो कोविड की वजह से और दूसरा फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने उसको एग्जाम में दे नहीं पाया। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज आपने बताई कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, बहुत कुछ है। अभी रिसेंटली अनअकैडमी ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की कि आप अपना स्टडी प्लान खुद बना सकते हैं। मतलब तो पहले ये फीचर जो है, जैसे मैंने आपको बना के दे दिया कि कैसे आपको मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश रीजनिंग, या कौन से एजुकेटर का आप जो है कॉन्टेंट देख सकते हैं, या कितना टाइम डिवोट करना चाहिए। अब अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ये फीचर अपने आप ही आ गई है कि जो एस्पिरेंट है वो अपनी स्टडी को प्लान कर सकता है, अपना स्टडी रूटीन बना सकता है, अपनी ग्रुपिंग कर सकता है, और साथ में अपनी परफॉर्मेंस भी देख सकता है उसमें। तो ये नई फीचर अभी अनअकैडमी पे अपडेट होने वाली है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा यूट्यूब पे।
ये एक बेस्ट फीचर है, मैं एस्पिरेंट्स को बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे आपने तैयारी करना शुरू किया, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैं जो असाइनमेंट देता था सभी बच्चों को, मैं बताना भी चाह रहा हूँ कि हर स्टूडेंट की एक खास बात होती है, जो उसका जो ट्रेनर है जो उसको पढ़ाता है वो देख पाता है उसमें। तो शुभम की जो एक स्पेशलिटी मैंने देखी हमेशा, कि जब भी मैं क्लास में, प्लस क्लास है या कोई भी क्लास में असाइनमेंट देता था, तो वो असाइनमेंट टाइम से पहले ही जो है वो कर लेता। और मैंने ये देखा कि या तो वो तैयारी में था ही नहीं, या तैयारी में बहुत ज्यादा, मतलब वो एक्सट्रीम फॉर्म थी कि मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे जो भी करना है वो बेस्ट करना है, और खासकर जो है वो मैथमेटिक्स के केस। तो जब मैं पढ़ा रहा था, कुछ बच्चों को पढ़ाते समय आपको लगता है कि आपको और ज्यादा पढ़ाना चाहिए और नया कंटेंट लाना चाहिए उनके लिए, तो ये चीजें मैंने नोटिस की शुभम में। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है शुभम, मैं ये जानना चाहता। एज यू नो मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है शुरू से। तो आपका प्री और मेंस का एक बार स्कोर बताइए आपका, जो आरआरबी पीयू में। सर आरआरबी पीओ का मेरा प्री था 40 में से मेरे 39.75 आए, और मेंस में मेरे 40 में से 37.5 आए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑलमोस्ट मतलब 100% को टच करता हुआ स्कोर है उनका, और यहाँ पे जो आरआरबी के जो भी जिस तरह से भी स्कोर रहता है, जिस तरह से वो कैलकुलेट करते हैं स्कोर को, तो यहाँ पूरा सिलेबस उन्होंने कवर किया और बहुत शिद्दत से किया, और उससे बेस्ट फीचर। अच्छा मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ सुनो, अभी आप सेलेक्ट हो चुके हैं, और आई गेस आप मिस भी करते होंगे अनअकैडमी की क्लासेस को यस सिलेक्शन के सर। बाद में, तो आपको कौन सी क्लास है जो फेवरेट क्लास जो आपको याद आती है, और उसमें क्या याद? सर एक तो सुबह पहले जैसे उठो, उठते ही आपको अगर कोई चीज में दिमाग लगाने को मिल जाए, मतलब माइंडली एक्सरसाइज जो कहते हैं वार्म अप एक्सरसाइज, जैसे बॉडी की, ऐसे ही आपकी मैथमेटिक्स की डीआई वाली क्लास यस जो वो 9 बजे स्टार्ट होती थी, डीआई क्योंकि सीरीज चलती थी। मेरे, हाँ हाँ क्योंकि मेरे उठने का टाइम 8 बजे के आसपास रहता, तो मैं जैसे डेली रूटीन से फ्री होता था तो वो क्लास मिल जाती थी। तो उसमें एक तो होड़ मची रहती थी कि फर्स्ट ही आना है, और ऑलमोस्ट टाइम कोशिश रहती थी, और मैं आता भी था फर्स्ट सेकंड थर्ड के बीच में, तो वो वार्म अप हो जाता था। देखो फिर उसके बाद में शाम को आपकी चैंपियन क्लासेस 5 बजे, यस उसमें आप सवाल कराते थे, वो उसमें भी यही होड़ की रैंक बनानी है, जल्द से जल्द रैंक आना। फिर शाम को आपका 9-10 बजे करीब, 10 बजे आप यूट्यूब पे लेते थे, तो यस वो लास्ट में सोते टाइम भी एक एक्सरसाइज करके सोना, मतलब कहते हैं ना गुड हेल्थ के लिए जो चीजें चाहिए थी वो सब कुछ मैथमेटिक्स से मिल जाता था। तो और यहाँ पे बच्चों एक चीज है, एक चीज मैं इस बार अब स्टार्ट नहीं कर पाया अभी तक। लास्ट ईयर मैंने एक सीरीज और चला रखी थी मॉर्निंग में 9 बजे, डीआई की सीरीज, तो अभी हम स्टार्ट करने का सोच ही रहे हैं, लेकिन टाइम टेबल, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लासेस ऑलरेडी हैं, तो मतलब क्लासेस लेने का मतलब ये होता है कि क्लासेस बनानी भी पड़ती है, तो हर क्लास के पीछे बहुत सारी मेहनत छिपी होती है। तो लेकिन हम लोग प्लान करें कैसे तैसे जो डीआई की सीरीज दोबारा स्टार्ट करने का। लास्ट ईयर 9 बजे लगभग 4 महीने तक जो है एक क्लास चली थी डीआई की सीरीज, और उसमें मतलब बेस्ट बेस्ट जो ब्रेन्स है मैंने देखे वहाँ पे, जो कि डीआई में इतने एक्सपर्ट होते हैं। जैसे आप स्पीड मैच आप देखते हैं 5 बजे चैंपियन सीरीज, उसमें कुछ बच्चे हैं कुछ ही सेकंड में मार्क कर देते हैं और हमेशा टॉप 10 में बने रहते हैं, उसी तरीके से मॉर्निंग में भी डीआई की सीरीज चलती थी, और उसमें भी काफी जो है चैंपियंस वहां पे थे। तो मैं बहुत ही जल्द कोशिश करूंगा उस क्लास को रिज्यूम करने का, ठीक है? तो देखिए एक्सपीरियंस, क्योंकि क्लास से बच्चे होते हैं उनके साथ के एक्सपीरियंसेस भी याद आते हैं, और कहीं ना कहीं बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती हैं, हंसी मजाक भी होते हैं, तो ऐसे कुछ जैसे जैसे ऑफलाइन क्लासेज में होते हैं, तो ऑनलाइन क्लास के कोई कुछ कोई इंसिडेंट आपको याद आ रहा है? सर इंसिडेंट तो यही है ना कि जब भी एवरीडे ऐसा होता था किसी भी क्वेश्चंस को लेके जल्दी टिक करना, कोई बता देता था तो वही लगता नहीं था कि हम ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे, वही एनवायरनमेंट था। बस एक थोड़ा सा ये होना चाहिए कि आप ऑफलाइन की जैसे पढ़ रहे हो, वही क्लासेज, वही स्टूडेंट्स, वही कमेंट्स, वही टॉक, उसी प्रकार से समझाना आपका बोर्ड पे एक एक बारीकी से, तो सब कुछ ऐसा। हमें तो, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कभी ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है, जैसे वो मतलब जब पढ़ाई करते हैं तो वो जैसे ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आप प्रॉपर टेबल पे बैठो अपनी कॉपी लेके और प्रॉपर जैसे ऑफलाइन पढ़ते हो, तो हमने बिल्कुल सही कहा, अगर वैसे ही अगर आप बैठ के पढ़ते हो तो आपको वैसे लगे जैसे ऑफलाइन क्लास में, ठीक है? तो सभी बच्चों को ऐसा ही करना चाहिए, एक सेट रूटीन होना चाहिए आपका, और आपने जो जैसे शुभम से हमने लास्ट टाइम जब इनकी तैयारी थी तब बात की थी कि सभी सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लेंगे, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग चाहिए, और उनका टाइम डिवाइडेड होना चाहिए, उसमें ये भी डिवाइडेड होना चाहिए कि आपका कितनी देर आप वीडियो क्लास अटेंड करो, कितनी देर सेल्फ स्टडी करोगे। कुछ बच्चे क्या अपने पूरा दिन जो भी क्लास मिली उसमें मिलाप अटेंड करते हैं, लेकिन आपको अपनी तैयारी को एनालाइज करना है,
मैथ्स का कितना वीडियो देखना, कितना सेल्फ स्टडी करना, मतलब असाइनमेंट करना भी जरूरी है। जैसे शुभम असाइनमेंट करके जो है वो जल्दी से सबमिट करा देते थे। और सबसे बेस्ट फीचर की जो है, आपने बात के लिए छोड़ा ही नहीं, मैंने अभी बोला, आधे घंटे बाद में असाइनमेंट वापस आ गया कि सर हो गया मेरा। तो इस तरह की तैयारी जो है आपको करनी चाहिए कि आप जैसे पूरा टेबल पे प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में बैठे, एक टाइम डिसाइड करें, मैं इस टाइम पे मैथ्स पढ़ूंगा, इस टाइम पे इंग्लिश पढ़ूंगा, इस टाइम पे रीजनिंग पढ़ूंगा। अब ये फीचर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो इससे आगे मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आपने इतने सारे एग्जाम्स के फॉर्म भरे, जहां तक मुझे ध्यान है कि ऑलमोस्ट सारे फॉर्म भरे, लेकिन आपने यस सर, आरआरबी पीओ भी दिया, तो इसके पीछे मैं यूजुअली बच्चे जब आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क पे फोकस करते हैं तो उसका रीजन इंग्लिश होता है, कि जिन बच्चों का इंग्लिश थोड़ा सा मतलब हल्का पड़ता है तो वो आरआरबी पीओ पे फोकस करते हैं, और इंग्लिश अच्छा होता है एसबीआई पीओ पे फोकस करते हैं। तो क्या ऐसी कोई बात रही आपकी? हाँ सर, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक थी क्योंकि मैं बेसिकली तो इंग्लिश मेरा कोई स्ट्रीम में नहीं था। मैं मीडियम मेरा हिंदी था, इंग्लिश मेरी वीक थी, बट और सब्जेक्ट मेरे आपके गाइडेंस से मेरे स्ट्रॉन्ग थे। तो मैंने सोचा कि मुझे सेफर साइड जाना चाहिए क्योंकि वही पीओ की जॉब है दोनों तरफ ऑफिसर्स की, एसबीआई या दोनों दोनों में सब। इसमें हिंदी आने से ये था कि मैं जल्द से जल्द इसको क्रैक कर सकता हूँ और पढ़ूंगा और स्टडी करूंगा तो मैं एसबीआई भी अचीव कर दूंगा। तो बिल्कुल एज यूजल आपकी गाइडेंस, आपने मुझे बताया कि मुझे आरआरबी में जाना चाहिए और स्केल वन ऑफिसर्स के प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो मैंने किया भी और फाइनली मैं आप क्रैक भी कर पाया उस एग्जाम को। एक एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यूजुअली जब बच्चे तैयारी कर रहे हो, प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, राइट, तो पहले तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब क्या एक्सपीरियंस है आपके प्रीलिम्स में और मेंस, जब आप प्री की तैयारी कर रहे थे और मेंस की तैयारी कर रहे थे, तो क्या डिफरेंस है दोनों? सर प्री के एग्जाम है तो वो मैं मानता हूँ कि वार्म अप है, बस वो मत है। जस्ट वार्म अप आपके सब्जेक्ट्स की, आपकी जस्ट ऊपरी जो ज्ञान होता है अपन कह सकते हैं बेसिक नॉलेज जिसे कि बोलते बेसिक नॉलेज हैं। वो आपकी कितनी स्ट्रांग है, क्या आप जानते हो, बस अगर वो आपका सही है तो आपका प्री तो क्लियर हो ही जाएगा। उसके साथ साथ आपकी एक्यूरेसी और स्पीड वो हमेशा बैंकिंग एग्जाम में रहनी चाहिए। यस बट मेंस के एग्जाम आप दोगे उसके लिए आपको डेप्थ स्टडी, एक एक पॉइंट की बारीकी से पकड़, उसकी कमी, उसकी स्ट्रेंथ, उसके अंदर क्या आ सकता है, कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा के पूछ सकता है, वो सब कुछ आपको बताना चाहिए। ग्रेट। तो यहाँ पे मेंस के बच्चों देखो, बेसिक नॉलेज प्रीलिम्स में चाहिए होता है, उसमें स्पीड चाहिए होती है, यानी कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा। जब आप मेंस देते हो तो आप कोर्स को कंप्लीट करना, मतलब इन डेप्थ आपको एक एक चीज आनी चाहिए, ठीक है। कई बार बच्चे कहते हैं सर मैं एक टेस्ट देता हूँ तो मेरा उसमें स्कोर हाई आ जाता है, दूसरे में कम आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हमने कोर्स कंप्लीट नहीं करता। तो जैसे आप उस कोर्स किए हुए जितना पार्ट आपने कर रखा है उसमें से टेस्ट सीरीज में से कुछ आता है तो आपका स्कोर हाई हो जाता है, और उससे बाहर कुछ आता है तो लो हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आपको हमेशा पहले कोर्स पे फोकस करना चाहिए, कंप्लीट कोर्स आपको करना चाहिए। जैसा शुभम ने किया, तो प्राइमरी हमारा फोकस ये था हमारे प्लान का कि हमें मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीके का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। तो ये पहला टारगेट है। फिर हम जो है प्रैक्टिस टेस्ट पे गए, और फिर टॉपिक वाइज टेस्ट पे भी गए, सेक्शनल टेस्ट पे भी गए, और कंप्लीट आपका मॉक टेस्ट के ऊपर भी गए। तो मैंने कई बार देखा भी, और टॉप 10 कंटिन्यूअसली आप पुरानी क्लासेज आप देखोगे निकाल के, चैंपियन सीरीज की और डीआई की सीरीज की, तो शुभम को आप पाओगे कि टॉप 10 में आप उनको देखोगे। अन अकेडमी पे जो स्पेशल क्लासेस चलती हैं, 9 बजे की क्लास थी और शाम को 5 बजे की क्लास। इससे आगे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं तो मैं देखता हूँ कि जैसे जैसे वो इंट्रोड्यूस होते हैं, ये मैंने आपके केस में नहीं देखा, एक एक्सेप्शन था, जैसे बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं पूरी एनर्जी होती है, सर मैं कैसे भी मैं सिलेक्शन ले लूंगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और वो जो जिस एनर्जी से आप आते हैं, तो 2-3 हफ्ते बाद मैं देखता हूँ उतनी एनर्जी मैं बच्चों में नहीं देख पाता। वो बहुत कुछ एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं जो उस टाइम पे एनर्जी को मेंटेन कर पाते हैं। तो आप उस एनर्जी को कैसे मेंटेन कर रहे थे? मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी बच्चों से, तो इसके बारे में बात करना चाहता सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था। सेकंड वन की स्टूडेंट स्टार्टिंग में बहुत सारे गोल्स लेके आता है कि मैं फर्स्ट एग्जाम में क्रैक कर दूंगा, मैं ये भी करूंगा, बोलते हैं ना कि प्लान तो बहुत सारा बनाते हैं हूँ। यस मेरे जैसे स्टूडेंट्स, बट उसको फॉलोअप वो 20-30% भी नहीं कर पाते। अगर उसमें लिखा है मैं 2 घंटे मैथ पढ़ूंगा और अगर उसे एक क्वेश्चन नहीं आया, वो चाहे पहला ही क्वेश्चन हो, तो उसे वहीं ड्रॉप कर, यानी जैसे प्रॉब्लम आती है तो बच्चे वही जो है ड्रॉप कर देते, निकल लेते हैं, ड्रॉप हो वहां से जाते निकल हैं। जाते, तो उस प्लान को वहां से भूल जाता। तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम्स जो आती हैं तो ये तो कॉमन है ना सभी बच्चों के लिए। ये सबके लिए कॉमन है सर, मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी, बस मेरा ये था कि मैं आपकी गाइडेंस से उसे सॉल्व करता था, उसे ड्रॉप नहीं करता था।
जैसे अब मैं इनको ड्रॉप करता तो मेरे साथ भी सेम ये होता कि मैं जो इंथुजियास्टिक होता है ना बंदा, वो पन खत्म हो जाता मेरा, मतलब एनर्जी मेरी सारी खत्म हो जाती, क्योंकि मुझे लगता मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। और अगर मैं आपसे सीखता नहीं, लगातार उन चीजों पे टॉपिक्स पे प्रैक्टिस नहीं करता, तो आज मैं शायद इस एग्जाम को क्रैक भी नहीं कर पाऊँ। तो यहाँ पे हम एक बात बच्चों से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आपको क्या लगता है ट्रेनर का क्या रोल है आपके, मतलब जो मेंटर जो है उसका क्या रोल? सर ट्रेनर का रोल अगर स्टार्टअप से लिया जाए, एक व्यक्ति के जन्म के बाद जैसे उसकी माँ उसके ट्रेनर होती है, क्योंकि तो माँ की गाइडेंस ही स्टार्टिंग के जो उसको जो गुण दिए जाते हैं वो सब कुछ माँ के द्वारा, माँ बाप के द्वारा दी गई शिक्षा ही होती है। ऐसे एज सेम रोल ट्रेनर का होता है, क्योंकि तो आप जो भी ट्रेनर, जिस भी ट्रेनर को आप फॉलो कर रहे हो, जैसे मैंने आपको फॉलो किया, तो जो ट्रेनर जो चीज बता रहा है ना, उसे कभी एक तो मजाक में ना ले, फर्स्ट सेकंड थिंग, वो जो भी बोलने के लिए आपको जो भी काम दे रहे हैं, भले वो आपको बहुत अच्छे से आता हो, फिर भी आप उसे करें। ऐसा नहीं कि ये मुझे आता है, तो अगर आपने ऐसा सोचा कि ये मुझे आता है, ये मैं क्या करूंगा करके, तो वहां आप अपने ट्रेनर को फॉलो नहीं कर रहे। आप जैसे मुझे क्लास में टेबल्स लिखवाते थे, टेबल सबको आती है, मैं 11, 12, 15, 17, 20 तक की टेबल लिखता था, स्क्वायर लिखता था, क्यूब लिखता था, 2 बाई 2, 3 बाई 2, 3 बाई 3, सब कुछ करता था जैसा आप मुझे बताते थे। तो ऐसा मेरा कहना है कि ट्रेनर आप कोई भी हो, आप किसी भी ट्रेनर को फॉलो करो, पर उसे पूरी ईमानदारी और शिद्दत से करो, क्योंकि अगर आप उनको पूरी ईमानदारी से अपना 100% देंगे, तो आप मेक श्योर एग्जाम क्रैक करोगे ही करोगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। ग्रेट। सभी स्टूडेंट्स को मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जब भी हम या तो पहले हम डिसाइड करते समय सोचें कि किसको फॉलो करें, पहले पूरी छानबीन कर लें। लेकिन एक बार आपने प्लान बना लिया ना तो उस प्लान को पूरा करके मान, क्योंकि मैं आपको बच्चों पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने आज तक जो बच्चा लास्ट तक मेहनत करता है उसको फेल होते ही नहीं देखा। काफी लोग कहते हैं कि किस्मत खराब होती है, ये हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन जो बच्चा अपने प्लान पे टिका रहता है उसको लास्ट में उसके लक भी अच्छा हो जाता है, उसकी किस्मत भी अच्छी हो जाती है। और आपके सामने मतलब मैं जानता हूँ बैकग्राउंड में कितनी प्रॉब्लम शुभम को भी आई थी उस समय, उसको बाकी एग्जाम्स को ड्रॉप करना पड़ा और उसको कहीं इंग्लिश, उसको डिसीजन लेना पड़ा कि कहीं बाकी एग्जाम में इंग्लिश ज़्यादा आती है, इधर इंग्लिश कम आती है। लेकिन यहाँ पे प्लान जो है डेफिनेट था, क्लियर था गोल कि मुझे ये अटेम्प्ट करना है। और आपको स्कोर बता रहे होंगे कि जो जिस तरह से क्वांट में इन्होंने स्कोर किया एक तरफा, और ना केवल क्वांट में स्कोर किया, आप देखोगे जो स्पेशल क्लासेज हैं या अनएकेडमी की क्लासेज हैं उसमें जहाँ पे भी क्विज में देखोगे आपको उनको रैंक पे पाओगे। तो एक जो जज्बा होता है ना कुछ करने का कि मुझे सबसे आगे निकलना है, और ये डिटर्मिनेशन, ये एनर्जी मैंने हमेशा हाई पाई। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे गोल क्लियर होना भी बहुत जरूरी है, और गोल क्लियर होते ही हमें ये भी क्लियर हो जाता है हमें किसको फॉलो करना है। तो ये बहुत जरूरी है और ये कर लेना चाहिए, बैठ के आपको ब्लैंक पेपर लेके क्लियर कर लेना चाहिए कि मुझे बैंकर बनना है, बैंकर बनना तो मुझे सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस पढ़ने के लिए मुझे इतना टाइम चाहिए, तो इसके लिए मुझे पूरा एक प्लानर बनाना पड़ेगा और उस प्लानर पे टिक जाना है, चाहे कितनी भी दिक्कत आए, कितनी प्रॉब्लम आए, इसको पूरा करके मानना है। उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आना ही होता है। आपके सामने एग्जाम्पल आप जो है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ और लर्नर्स भी जानना चाहता हूँ। आप बैंकर बन चुके हैं और पीओ जो आपकी लाइफ की शुरुआत हो चुकी है, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? सर जैसे कि बैंक में इंटरनल एग्जाम्स बहुत सारे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मेरे जो बेसिक कोर्स हैं, JIBC AIB करके, मैं इंटरनली प्रमोशन लेके एक हायर रैंक जो बैंकिंग सेक्टर की होती है उस पर जाना चाहूँगा, और मैं कंटिन्यू बैंकिंग सेक्टर में बना रहूँगा। तो बाकी लोग जैसे यूजुअली से RRB की तैयारी करते हैं तो उसके बाद IBPS भी देते हैं, SBI भी देते हैं, RBI भी देते हैं, कहीं और मतलब उनको लगता है कि आगे ट्राई करते हैं। तो आपने RRB में रहने का सोचा है या फिर जो है आगे मतलब SBI और RBI, NABARD, इनका सबका आगे बढ़ने का सर सोचा? मैं बैंक के जो RRB का ऑफिसर्स का जो एक्सपीरियंस है उसको साथ लेते हुए मैं और हायर पोस्ट के एग्जाम, स्केल 2, स्केल 3 मैनेजर्स, इनके एग्जाम में हर IBPS के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं उन एग्जाम की फाइट करूँगा। ओके मतलब आप जो है RRB में आगे जाना चाहते हैं, मतलब और साइड में आप ट्रेनिंग करते हैं, ग्रेट, ये बहुत। तो जो हमारे लर्नर्स हैं जो जैसे, क्योंकि देखो बच्चों मैं सबको आपको बताता हूँ कि जब आप तैयारी करना शुरू करते हो स्टार्टिंग में एनर्जी होती है जैसे मैंने डिस्कस किया अभी, और उसके बाद जैसे थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, उसके बाद थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है।
और जब मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी हकीकत दिखती है, तो वहां पे हम ड्रैग होते हैं, तो वहां से हम टाइम पास करना शुरू करते हैं या हमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू जाती है, सर नींद ज्यादा आती है, कम आती है, बोर हो रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो सब चीजें होती हैं वो सबको आती हैं, लेकिन आपने क्या डिसाइड कर रखा है ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होती है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम जैसे शुभम को भी आई थी, लेकिन शुभम इससे पार पा गए। ऐसे काफी बच्चे हैं जो वहां से क्विट कर जाते हैं, कुछ लोग उससे उससे फाइट करते हैं और जो पार पा जाते हैं। तो ऐसे जो लर्नर हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में रोजाना मेरे पास क्वेरी जाते हैं, मेरा स्कोर नहीं आ रहा सर, मेरे को इंग्लिश का जो है स्कोर नहीं बन रहा सर, मैथ्स में स्पीड नहीं बन रही सर, मुझे DI नहीं आता सर, अर्थमेटिक प्रॉब्लम है सर। तो ये ऐसे जो प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को, जो अभी जो एग्जिस्टिंग लर्नर्स हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सर, प्रॉब्लम हर स्टूडेंट्स के साथ आती है। स्टार्टिंग में मेरे साथ तो इतनी प्रॉब्लम थी कि मेरे इंग्लिश में तो 0 भी ढंग से नहीं आता, माइनस तक के स्कोर आते थे। मैथमेटिक्स भी इतना स्ट्रांग नहीं था, 50 में से 15-12 ये स्कोर आते थे। रीजनिंग में भी इतना ही आता था, पर कंटिन्यू उस पर वर्क करना। और सबसे अच्छा इसके लिए जो मैं मानता हूँ वो टेस्ट सीरीज। अगर आप कंटिन्यू टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो एनी हाउ सर, मैं गारंटी से कह सकता हूँ स्कोर इम्प्रूव करेगा ही करेगा। और सेकंड थिंग, कि टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, टेस्ट दे के उस पे वर्क करना सबसे बड़ी बात, जैसे कि एनालिसिस आपने करना, मुझे बताया था एनालिसिस करना। यस यस ग्रेट। तो एक चीज में तो और एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था तो RRB के एग्जाम में एक इंटरफेस का प्रॉब्लम भी हुआ था, रीजनल लैंग्वेजेस वाला, तो क्या यस आपने सर, फेस किया था? जब मेरा राजस्थान रीजन से हुआ है, हिंदी मेरी लैंग्वेज थी और हिंदी मैंने जैसे कि पढ़ी भी है सब्जेक्ट में, तो मेरे साथ सर ये प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो आपने राजस्थान से पढ़ा तो इसलिए हिंदी का की वजह से आपको कोई इशू नहीं है। करंट अफेयर्स आपने कितने टाइम का पढ़ा था? जनरली बच्चों को क्वेरी रहती है कितने टाइम का जनरली पढ़ना है? सर करंट अफेयर 6 से 9 मंथ का पढ़ो, जैसा कि मैंने भी एक पढ़ा, और उसमें लास्ट 3 मंथ्स के थोड़े आप डेप्थ से पढ़ो, लास्ट तो 3 मंथ। आपका उसमें स्कोर आराम से कवर हो जाएगा, सारी चीजें उसमें आ जाएगी। और जिन बच्चों को ये रहता है कि सर हमें याद ही नहीं रहता, उनके लिए कोई सोल्यूशन? सर उनके लिए तो जैसे ये चीज मेरे साथ भी थी कि मुझे GK याद नहीं रहती, पर उसमें आपकी जो गाइडेंस थी, आपने मुझे बताया कि आपने हमारे एक 10 बंदों की अलग से 10-12 बंदों की ग्रुप पे आईडी क्रिएट करवाई, उसमें हम सब एक साथ आते थे, अपने अपने डे बाई डे पर डे सबका नंबर आता था, क्वेश्चंस पूछते थे आपस में, उस पे टॉक करते थे, आपने उससे ग्रुप वो याद रह जाएगा श्योर। में डिस्कशन किया, मतलब ग्रुप ग्रुप डिस्कशन एक डिस्कशन इंपॉर्टेंट चीज है, जो अनअकैडमी पे ये फीचर आ चुके हैं ग्रुप स्टडी वाली, तो आप लोग सब अच्छे जो अपडेट आप कर सकते हैं। इसके साथ में जो है सेशन जो है हम एंड करना चाहेंगे। एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक शुभम यू सर। आपको, और हमें उम्मीद करते हैं एक बहुत बढ़िया बैंकर आप बनेंगे। जो भी RRB है वहाँ पे मतलब काफ़ी स्कोप है वहाँ पे लोगों को, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए RRBs बने हैं। जो भी लोग हैं वहाँ पे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप बेस्ट बेस्ट फुलफिल करोगे अपनी ड्यूटीज को, ये हम उम्मीद करते हैं। और आपको फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। सभी बच्चे जो है आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपने गोल को क्लियर रखते हैं और पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करते हैं, तो ऐसे में सफलता निश्चित है, जैसे शुभम ने। थैंक यू सो मच शुभम, लेट्स क्रैक। थैंक यू सो मच सर।